जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मेरा तो मेरी तो बहुत इच्छा थी यार, मैं एक दफा इंडिया, जिंदगी में एक दफा तो मैंने इंडिया आने ही आना, वो जो कुछ मर्जी हो जाए। और वैसे भी योगी जी की स्टेटमेंट से वैसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उनको वैसे भी बुलडोजर बाबा कहा जाता है, वो डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं। झूठ बोलने वालों को नहीं पूछता, फिजा को सब गाले देते हैं। सही कह रहे हैं। हलवा पकाओ क्रिएट किया गया कि उन लोगों के पास इंडिया का तिरंगा कैसे आया, ठीक है ना, कि वहां पे इंडियन जो तिरंगा है वो कैसे आया, तो ये बहुत बात को उछाला जा रहा था। ना जेल तो जाओगी जाओगी, उस केस भी चलेंगे, फिर बाद में बेइज्जती भी होगी, पता नहीं पूरी जवानी जेल में सड़ जाएगी, तो मतलब नहीं नहीं मैं मुझे मेरी जिंदगी बड़ी प्यारी है, अगर मैं आऊंगी भी तो वोगा बॉर्डर से आऊंगी, ठीक है। और काफी हमारे फ्रेंड्स हमें मेल वगैरह भी करते हैं कि आप लोग इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। जिस वीको डाले से पूरी दुनिया डरती है, उन्होंने उसको ही उल्टा करके आग लगा दी, उन्होंने अपनी जाने मतलब के दे दी, गोलियां वगैरह खा रही, लेकिन जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने पूरी की। इससे बोलती है यूनिटी, और यही यूनिटी मैंने इंडियंस में भी देखी है, मतलब कि यहाँ पे हर इंसान को अपना अपना पड़ाव है। अगर कोई चीज़ वायरल हो रही है उसको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर तो मीडिया भी आज़ाद नहीं है, हम और किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं। कि मोदी जी अपनी कंट्री के लिए बेस्ट है और उन्हीं को आना चाहिए, अगर वो दोबारा आएंगे तो जो इंडिया है वो और ज़्यादा तरक्की करेगा, और पाकिस्तान बस देखेगा बैठ के, जैसे हम अभी भी देखते हैं। आपके इतने सारे कमेंट आए हुए थे कि नायला के साथ चाहिए हमें पार्ट टू, और ये नायला मैडम है इतनी बिजी, टाइम ही नहीं दे रही है, कभी जिम में होती है, कभी इंटरव्यू में होती है, कभी पुलिस चौकी में होती है, कभी थानों में होती है। और हमारी ऑडियंस आपका बड़ी बेताबी से, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थैंक यू सो मच। और जिन फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी बंटी जी से कि नायला का इंटरव्यू दोबारा होना चाहिए, तो मैंने कहा बंटी जी आज आपने मुझे बोला ना, आज तो मैं आपको इंटरव्यू दे के रहूँगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नायला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आपने एक महीने बाद इंटरव्यू क्यों दिया, मतलब कहाँ बिजी थे आप? ये सवाल ना मुझे जान पे बनी हुई है, मैं सच बताऊँ इतना ज़्यादा खौफ और डर हम सबके दिलों में बैठ गया था। मुझे तो ये लग रहा था कि अब हमेशा यूट्यूब को हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे हम और चले जाएंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने दोबारा अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट किया, जिन चीज़ों का हमें बताया गया उन चीज़ों को हमने स्किप किया, और फिर एक महीने की छुट्टियों के बाद कभी डालते थे कभी नहीं डालते थे, और फिर हमने दोबारा से उसको कंटिन्यू किया। तो आप बिजी कहाँ थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब काम भी नहीं कर रहे थे तो बिजी कहाँ थे आप लोग? चक्कर लगा रहे थे। अच्छा, तो चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आप उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे, तो हम बात नहीं करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, आपके पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल चल रहा है, हिंदुस्तान के इलेक्शन को लेकर क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान किस नजरिए से देख रहा है, तो थोड़ा सा उस पर अपने विचार रखिए। तो जो चीज़ मैंने देखी है ना पब्लिक में, इवन कि कल हम रोड शो करने गए और एक आदमी हमारे पास आया, कहता आपको पता है बीजेपी जीतेगा, हमने कहा क्यों, वो आपको कैसे लग रहा है, कहता अभी मैं उनके वोटिंग का वो देख के आया हूँ, 350 से ऊपर जो मोदी जी हैं उन्होंने वोट हासिल कर लिए और वो ही आएंगे 4 जून से पहले। मैं बता रहा हूँ मतलब कि पाकिस्तान में लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि इंडिया में नेक्स्ट PM कौन है। वैसे तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनको पता है कि मोदी ही आएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए, अगर कांग्रेस आएगी तो पाकिस्तान और जो इंडिया उनके रिलेशन बेस्ट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं अगर मोदी आया तो, जब से मोदी आया तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं कर रहे, तो हमें चाहिए कि कांग्रेस को आना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं यही बोलूँगी कि मोदी जी अपनी कंट्री के लिए बेस्ट है और उन्हीं को आना चाहिए, अगर वो दोबारा आएंगे तो जो इंडिया है वो और ज़्यादा तरक्की करेगा, और पाकिस्तान बस देखेगा बैठ के, जैसे हम अभी भी देखते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जी, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे आप पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान मीडिया भी देखते हो, न्यूज भी देखते होंगे, तो आपके मीडिया के अंदर क्या चल रहा है? यहाँ पे भी न्यूज वगैरह चल रही है कि इंडिया में नेक्स्ट पीएम कौन आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि धांधली से मोदी सरकार दोबारा वापस आएगी, कुछ कह रहे हैं कि जो उन्होंने मुस्लिम लोगों की, हमारे न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि जो वो मुस्लिम लोगों के साथ वहाँ पे जुल्म वगैरह कर रहे हैं उसकी वजह से जो हिंदू लोग हैं वो उनको वोट देंगे, और जिस तरह से वो मंदिर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोगों को हमारे न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है और लोग फिर उसी को सच मानते हैं। यानी साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं,
कि दोस्तों को साबित कर दिया जाता है कि दोस्त नहीं है, कोई हरीफ है। जी 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 ये तो है, पाकिस्तान के अंदर चलता है वैसे भी थोड़ा सा प्रोपेगेंडा टाइप की न्यूज है कि मतलब इंडिया को जितना खराब दिखा सकते हैं उतना खराब दिखा है, उतना लोग कहेंगे कि ये हमारी न्यूज बिल्कुल परफेक्ट है। जी 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 जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान मीडिया में दिखा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, मोदी सरकार आ जाएगी और ज्यादा जुल्म होगा। तो आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूँ। 1947 के बाद में हिंदुओं की आबादी है ना, आज तक 2021 तक का आंकड़ा ये 6% कम हुई है हिंदुओं की आबादी, हिंदू हिंदुस्तान के अंदर। और मुसलमानों की आबादी कितने परसेंट बढ़ी है आपको पता है? मैं बताता ज्यादा ही होगी, 43% उनकी आबादी बढ़ी है मुसलमानों की। क्या बात है। और अभी भी कहते हैं जुल्म हो रहा है। हाँ, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है यहाँ का गवर्नमेंट। मुझे पता है, मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनका आपको बता रही हूँ कि उन लोगों के माइंड में ना ये चीज है इंडिया को लेके। वो कहते हैं जब से मोदी सरकार आया इसने पाकिस्तान के साथ रिलेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया, इवन के ट्रेड इन्होंने खुद बंद की थी। जब इन्होंने बंद किया वहां भारत का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और अब ऐसी कंट्री के साथ दोबारा ट्रेड या रिलेशन को नहीं कर सकते जहाँ पे आए दिन PM बदल रहे हैं, जहाँ पे धांधलियां हो रही हैं, जहाँ पे करप्शन के केसेस इतने ज्यादा, जहाँ पे किसी को भी उठा के अंदर बंद कर दिया जाता है, यूट्यूबर्स की जान भी इतनी सेव नहीं है। मैं शॉर्ट उसमें बोल दूं, मतलब कि यहाँ पे हर इंसान को अपना अपना पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज वायरल हो रही है उसको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर तो मीडिया भी आजाद नहीं है, हम और किस चीज की आजादी मांगे। जी 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 बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ तो नायला जी, लास्ट टाइम आप जब आप आए थे आपने कहा था कि मैं इंडिया आ रही हूँ, इंडिया का पासपोर्ट बना रही हूँ, वीजा बना रही हूँ। हाँ, आपका वो मसला कहाँ तक पहुँचा आज हमारी ऑडियंस? वो मसला बस दरमियान में ही रहा है, वो मतलब इस दरमियान में पासपोर्ट का मैंने वो दे दिया है, ठीक है। 13,000 का मेरा पासपोर्ट की जो फी होती है वो उन्होंने ली है, इतना ज्यादा महंगा। इंडिया का तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितने रुपए का पासपोर्ट रेडी होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझसे 14,000 लिया, ठीक है। और 1.5 महीना हो गया अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे बोला गया था कि आपका 20 से 25 दिनों में आ जाएगा, लेकिन महीने से ऊपर हो गया, ना कोई कॉल आई ना कोई मेल आई। अब मैं उसी के इंतजार में बैठी हूँ, आए तो हम कुछ आगे करें। मेरा तो मेरी तो बहुत विश है कि यार मैं एक दफा इंडिया, जिंदगी में एक दफा तो मैंने इंडिया आना ही आना, वो जो कुछ मर्जी हो जाए। अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज भी आई थी, पाकिस्तान की जो पासपोर्ट बनाने वाली जो संस्था है उनके पास में जो लेमिनेशन पेपर होता ना पासपोर्ट में लगने वाला, वो पेपर ही खत्म हो गया, इसलिए नए पासपोर्ट ही नहीं बन रहे। तो वहाँ पे जो फॉर्म फिल करते हैं, मैं पासपोर्ट जिंदगी में फर्स्ट टाइम गई थी ऑफिस, वहाँ पे जो फॉर्म फिल करते हैं ना, वहाँ पे पेन था ना वहाँ पे कागज था। पहले कभी मैं ऊपर जा रही हूँ कागज के लिए, कभी मैं नीचे जा रही हूँ, कभी मैं रिसेप्शन पे जा रही हूँ, फिर जाके वो गार्ड ने पता नहीं कहाँ से मुझे वो पेपर दिया और पेन दिया, फिर मैंने उसे फिल करके उनके हैंड ओवर किया। इतनी अजीब सिचुएशन है, मैं बता नहीं सकती। और इतने ज्यादा लोग यहाँ से जाने के लिए लाइनों में लगे हुए थे, मैं बता नहीं सकती। छोटे छोटे बच्चों के पासपोर्ट बन रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग क्यों बना रहे हो? कहते हमने तो नहीं यहाँ पे रहना, हम तो बाहर जा रहे। कोई अमेरिका के लिए कोई वीजा लगा रहा था, कोई क्या और कोई क्या, सारे लगे हुए थे। मैं कहा चलो इस टाइम में मैं भी आ गई। तो अभी तक मतलब आपका पासपोर्ट बना नहीं है, मतलब अभी तक प्रोसेस में चल रहा है, महीने से ऊपर हो गया। देखो पासपोर्ट तो तुम बना लोगी, ठीक है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आपको पता है नीचे से चौथे नंबर की सबसे घटिया रैंक। अब मैं क्या करूं, अब मैं ऑरेंज ग्रीन पर्पल पासपोर्ट तो लेने से रही, जो मुझे यहाँ पर मिलेगा वही मैं हाथ में पकड़ के आऊंगी। और अच्छा चलो पासपोर्ट तो तुम्हें मिल जाएगा, फिर वीजा कैसे मिलेगा? इंडिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए आप वहां से एप्लीकेशन देंगे गारंटी के तौर पे। नहीं नहीं तुम भी है ना, जब जैसे पाकिस्तान से जो सीमा आई थी ना वैसे आ जाना, पहले नेपाल आना, नेपाल से फिर चुपचाप। सीमा में बड़ी हिम्मत थी, उसको उसके सचिन ने बचा लिया था, मुझे कौन वहां पे बचाएगा, सोचे ना। मैं बचा लूंगा, टेंशन क्यों करती हो, मैं सीधा तुम्हें तो फोन ही नहीं उठाना जो मुश्किल मेरे सर पे होनी है। मैं सीधा पुलिस को कॉल करूंगा, मैंने कहा पाकिस्तानी लड़की इलीगल तरीके से आ गई है, इसको उठाओ सबसे पहले। तो नहीं अगर मैं आऊंगी तो मैं पूरे लीगल तरीके से आऊंगी, डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊंगी। देखो बिल्कुल ये तो मजाक की बात थी, अगर जैसे सीमा की तो चलो एक बात अलग थी, लेकिन अगर तुम लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में आओगी, पूरा प्रोसेस के तरीके से आओगी ना, तो यहाँ पर जो भी तुम्हारी ऑडियंस भी है, तुम्हारे फैंस भी है, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी है, अगर तुम यहाँ पे आके मीटअप भी कर सकती हो, अच्छे से घूम सकती हो। अगर तुम चोरी छुपे या गलत तरीके से आने की कोशिश करोगी तो खुद ही डर के रहोगी,
ना जेल तो जाओगी जाओगी, उस केस भी चलेंगे, फिर बाद में बेइज्जती भी होगी, पता नहीं पूरी जवानी जेल में सड़ जाएगी, तो मतलब क्या नहीं है सर नहीं आपको? मैं मुझे मेरी जिंदगी बड़ी प्यारी है। अगर मैं आऊंगी भी तो वोगा बॉर्डर से आऊंगी, ठीक है। और काफी हमारे फ्रेंड्स हमें मेल वगैरह भी करते हैं कि आप लोग इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। मैं कहती हूँ यार, इमरान खान से पहले अगर हम यूट्यूबिंग स्टार्ट करते हो तो हमने तो 3 से 4 चक्कर तो जरूर लगा लेने थे। हाँ लेकिन अगर हम तुम, आई 21-22 में है तब सब कुछ ही बंद हो गया था। लेकिन हमारी कोशिश है कि एक दफा तो अपनी अपनी तो हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे। आगे लक पे डिपेंड करता है क्या होता है। अच्छा जैसे आपका इंडिया आने की इच्छा है, जैसे अफगानिस्तान भी जाने की इच्छा है, आप भी पठान हैं, नहीं पश्तून हैं, तो वहां पे शरीया सरिये से इतना डरते काहे को? तुम तो मुसलमान नहीं, हो। वो पठान है, ठीक है, समझ में आता है पठान है, हमारी जुबान भी एक दूसरे को समझ में आएगी। लेकिन जो मैंने वहां पे वहां से वीडियोस जो मैंने वायरल देखी हैं, वो जिस तरह से औरतों पे जुल्म करते हैं, अब आए के बगैर कोई जा नहीं सकता, किसी के सर से दुपट्टा नीचे उतर गया, उस पे फतवा जारी हो जाएगा। मैं तो ऐसे देश में कभी भी ना जाऊं, चाहे हमारा पड़ोसी क्यों ना हो। भाई जान बहुत प्यारी है, नहीं हाँ, बाहर नहीं क्योंकि मैंने जाऊंगी। अभी 2-3 दिन पहले तुम्हारी एक पोस्ट भी देखी थी कहीं पे, तुम स्विमिंग पूल में घूम रही थी जींस पैंट पैंट पहन के, मैं तो तो वो पहनती हूँ तो जीन्स, हाँ, अब वो तो अफगानिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने मेरी गर्दन ही ला देनी है। नहीं बताओ। ये हाल है पाकिस्तान के मुसलमानों का, मर्जी से जी भी नहीं सकती औरतें। और फिजा कहती है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म होता है। वो बता रही कौन सा चैनल देखती है, हम जो देखते हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वाह भाई वाह तो नायला जी, थोड़ी हंसी मजाक के साथ साथ एक सीरियस क्वेश्चन भी मैं आपके साथ करना जी, चाहूंगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा चलता रहता है कि हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारी जज्बा। शेर आ गए। पाकिस्तान को पूरे के पूरे 75-76 साल हो चुके हैं जब से आजाद हुआ है, पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर का, सुबह उठते ही पाकिस्तानी कश्मीर करना शुरू करते हैं और सोते सोते कश्मीर करने लग जाते हैं। तो ये कश्मीर, लेकिन लेकिन मिलता कश्मीर फिर तो इनको नहीं है। लेकिन कश्मीर को तो छोड़ो, जो पाकिस्तान के पास में, मतलब 1947 के अंदर जिस पीओके पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो जिसको हिंदुस्तान पीओके बोलता आजाद है, कश्मीर, हाँ, जिसको तो जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, वहां से अभी मैंने देखा थोड़े दिनों पहले काफी वीडियो वायरल हुए, वहां पे बिजली के लिए, आटे के लिए और आजादी के लिए कारगिल का रास्ता खोल दो, कारगिल स्कर्दू का रास्ता खोल दो, इस टाइप से नारे, वीडियो, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। और मुझे लगता है कि हम लोग कहते थे कि आज़ाद कश्मीर तब वो आज़ाद नहीं था, तब वो गुलाम ही था। लेकिन अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ना, अब मुझे लग रहा है कि वो सच में आज़ाद कश्मीर बन गया, क्योंकि लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। जिस वीगो डाले से पूरी दुनिया डरती है, उन्होंने उसको ही उल्टा करके आग लगा दी। उन्होंने अपनी जानें मतलब के दे दी, गोलियां वगैरह खा ली, लेकिन जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने पूरी की। इसे बोलती है यूनिटी, और यही यूनिटी मैंने इंडियंस में भी देखी है, क्योंकि इसी वजह से वो उनकी कंट्री पे कोई भी मुसीबत आ जाए वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ ये होता है किसी पे भी मुसीबत आ जाए अगला तमाशा देख रहा होता है, और जो मुसीबत होती है वो ही झेल रहा होता है। जिस तरह से हमने भी कश्मीरियों को देखा है, वो सारे इकट्ठे हुए और उनकी इतनी ज्यादा पावर थी, जो उन्होंने अपनी बिजली की उन्होंने डिमांड्स रखी थी, सस्ते आटे की रखी थी, और भी उनकी काफी डिमांड्स थी, वो फिर हुकूमत ने पूरी की, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग अगर हम इनकी डिमांड्स को पूरी नहीं करेंगे कुछ भी हो सकता है। और वहां पे सबसे अहम चीज जिसको लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू क्रिएट किया गया कि उन लोगों के पास इंडिया का तिरंगा कैसे आया, ठीक है ना, कि वहां पे इंडियन जो तिरंगा है वो कैसे आया, तो ये बहुत बात को उछाला जा रहा था। तो वहां पे लोग कह रहे थे कि बस उनके पास आ गया जो वो उनके साथ जाना चाहते हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जो इंडिया के साइड है, वहां की जब वो तरक्की को देखते हैं, जब वहां पे स्कूल देखते हैं, यूनिवर्सिटीज देखते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं, सबसे बड़ा ब्रिज देखते हैं, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो वो आजाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने वो इतना ज्यादा तरक्की कर गया, वहां पे उनको हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, तो हम लोगों को क्यों नहीं। इवन के यहाँ पे तो ऐसी तरीके भी निकल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, और ये खुद ही अपनी जितने भी इनके सूबे हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनको अपने करतूतों की वजह से गवाएंगे। और अभी योगी जी की स्टेटमेंट आई थी कि बस थोड़े दिन सब्र कर लो, ये वाला भी हम ले लेंगे। और फिर उसके बाद मोदी जी की भी आई थी, और यहाँ से भी 6 महीने की डेडलाइन दी है छह योगी जी ने। महीने और वैसे भी योगी जी की स्टेटमेंट से वैसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उनको वैसे भी बुलडोजर बाबा कहा जाता है, वो डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कश्मीरी लोग जो है ना उनको समझ आ गई है, अगर इंडिया वाले वहां पे जाते हैं, ठीक है, अगर वो ले लेते हैं वो वाला कश्मीर, तो वो लोग मुझे लगता है इजीली उनके साथ आ जाएंगे।
ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी, राजनाथ जी ने भी यही कहा था कि हमें कश्मीर के लिए जंग करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आर्मी को वहां हाँ भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे वहां के लोग ही है ना पाकिस्तान से आजाद होके वापस कश्मीर में शामिल हो क्योंकि जब जाएंगे। यहाँ पे कश्मीर डे मनाया जाता है तो कश्मीरियों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो भी हमें इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, तो वो वहाँ की रियलिटी बता रहे होते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो, क्या हो रहा है। इवन कि उन्होंने तो ये भी कह दिया अगर हमारी बिजली सस्ती नहीं होगी, जो यहाँ से बिजली लाहौर में जा रही है हमें उसकी तारे काट देनी है, तो वो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो ये मैं बोलूंगी उनका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, अपने हक के लिए हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। अगर वो शराफत की जुबान समझते, इतने सालों से वो मुंह से कह रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, इन लोगों को समझ नहीं आई। अब जब उन्होंने अपने हाथ में स्टिक्स उठा लिए हैं, स्टोन वगैरह उठा लिए, अब इनको समझ आ रही है कि नहीं यार हमें उन लोगों की डिमांड्स पूरी करनी चाहिए। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे परफेक्ट बैठती है। हाँ, तो पीओके वालों ने तो अपनी सारी शर्तें मनवा भी ली है, और एक दिन मैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते यही उम्मीद करूंगा कि पीओके जो, जैसा कि हमारे योगी जी, हमारे बुलडोजर बाबा कहते हैं कि पीओके को हम 6 महीने में ले आएंगे, क्योंकि वहां की जमीन भी हमारी है, वहां के लोग भी हमारे हैं, ये हमारे नेता भी बोलते हैं। तो नायला जी, लेकिन आपका मैं बहुत ये भी कुछ, बता दूं कि ये वाले भी इतनी आसानी से जो इनके पास आजाद कश्मीर है कभी भी इंडिया को नहीं देंगे। जो वो तो जिसके पास है वो उसी का रहेगा, बात तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो जिसके पास है वो उसी के पास है, ऐसा मुझे लगता है। आने वाला वक्त ही बताएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप भी यही है, फिर मैं मैं भी आपको यही हूँ। जरूर इंटरव्यू दूंगी वो आने वाले वक्त मैं तो पे। ताल ठोक के बोलता हूँ, पीओ के बनेगा हिंदुस्तान। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी, ये थैंक हमारी यू। गपशप चलती रहेगी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऑडियंस चाहेगी तो हम आपका पार्ट 3 भी बनाएंगे, लेकिन इस बार इंटरव्यू आपको जल्दी देना है। क्या देना है? इंटरव्यू। जल्दी। और लास्ट में ये कहना चाहूंगी अगर मेरी कोई बात ज्यादा, मतलब कि अगर मैंने ज्यादा बोल दिया या कुछ भी ऐसा समझ नहीं आई जो भी है, तो मुझे इतना समझ नहीं आता, मतलब इसीलिए तो पार्ट कि जो टू मेरे पार्ट दिल पे टू होता है वो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, जब मैं जी बोल जी देती हूँ जी फिर उसके बाद कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल जाए जो मतलब कि बहुत ज्यादा मेरे लिए मसला कर सकता है, तो फिर उस वजह से मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि मैं तो कुछ भी कह देती हूँ। झूठ बोलने वालों को कोई नहीं पूछता, फिजा को सब गालियां देते हैं। सही कह रहे हैं। हलवा पकाओ। और वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाय।